हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज का मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इजी टू कॉम्प्लेक्स यानी सरल से कठिन सभी प्रकार के क्वेश्चंस इसमें सम्मिलित हैं। आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चन है, जिसका वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए। सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल में सभी प्रकार के वीडियोज हैं, थ्योरी सेशन, MCQ, टेस्ट चैप्टर वाइज एंड ऑनलाइनर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर MCQ प्रैक्टिस एंड जो मैं आपको डेली बेसिस पे बेस्ट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करा रही हूँ, ये सभी चीज़ें आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और दोस्तों, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ डेली बेसिस पे जुड़े रहिए। और दोस्तों, इंतजार मत कीजिए कि आपका परीक्षा का डेट आ जाएगा तभी हम तैयारी करेंगे, क्योंकि इंतजार करने वाले को सिर्फ इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को महान बनाती है। एक दिन में आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते कि हाँ 10 दिन बाद परीक्षा है, आप पढ़ लिए, इतना बड़ा चैप्टर है, इतने सारे टॉपिक हैं, आप एक दिन में 2-4 दिन में कैसे कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसका बेसिक भी नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पूरा देखिएगा, आज के सभी 50 क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है शोध में परिसीमन यानी डेलिमिटेशन का अर्थ है। तो शोध में परिसीमन का अर्थ है कार्य क्षेत्र। क्या है? कार्य क्षेत्र। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं, प्रबंधन से रिलेटेड है। नेक्स्ट दोस्तों, महिलाओं और पुरुषों की उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी के माध्यम के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके लिए स्वतंत्र टी परीक्षण इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं और पुरुषों की उत्सुकता के माध्यम के बीच अंतर सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए टी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, स्वतंत्र टी परीक्षण का। नेक्स्ट है, माध्य को सबसे स्थिर केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह न्यायदर्श में परिवर्तन से अल्पतम प्रभावित होता है। न्यायदर्श यानी सिंपल सैंपल। नेक्स्ट है, जनसंख्या के फ्रेम का ज्ञान न होने पर किस न्यायदर्श तकनीक का प्रयोग किया जाता है? न्यायदर्श होता क्या है यानी सैंपल। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में जानकारी दी हूं कि मान लीजिए आपके किसी प्रदेश की पूरी जनसंख्या की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, तो आप पूरी जनसंख्या एक एक के पास तो जाएंगे नहीं मापने, उसमें से 1000 जनसंख्या को आप ले लेंगे, उसमें से सभी 1000 की जनसंख्या का औसत निकालेंगे कि इतने लोग इतने लंबाई के हैं, इतने लोग इतने लंबाई के हैं, उसके आधार पर पूरे प्रदेश की जनसंख्या का आप औसत निकाल लेंगे। तो जो 1000 जनसंख्या हमने चुना वही आपका सैंपल है, न्यायदर्श है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या के फ्रेम का ज्ञान नहीं है, नहीं है कि हमारे पूरे प्रदेश में कितना जनसंख्या है, तो किस तकनीक का प्रयोग हम अपनाएंगे? तो रैंडम आदर्श का यानी रैंडम सैंपलिंग का हम प्रयोग अपनाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, शून्य परिकल्पना हाइपोथेसिस को दर्शाया जाता है। तो इसको दर्शाया जाता है HO अनुपात माध्य 1 बराबर माध्य 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शारीरिक शिक्षा के संस्थानों को स्थापना वर्ष के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं, NIS पटियाला की स्थापना कब हुआ था? 7 मई 1961 को NIS पटियाला की स्थापना हुआ था। एंड LNCP आई ग्वालियर यानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर की स्थापना कब हुआ था? 1957।
ठीक है। एंड त्रिवेंद्रम लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन त्रिवेंद्रम की स्थापना कब हुआ था? यह 1985 कब हुआ था? 1985 ठीक है। एंड दोस्तों YMCA चेन्नई की स्थापना कब हुआ था? 1920 में। तो आप अब लगा सकते हैं सबसे पहले कौन आएगा आपको बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि छोटे से बड़ा लगाना है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका कौन आएगा? डी, यानी कि YMCA। फिर आएगा आपका 1920 के बाद क्या है? 1957 यानी कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, यानी कि बी आएगा। फिर क्या आएगा आपका उसके बाद? ए आएगा। क्या आएगा? ए, पटियाला, NSNIS पटियाला। उसके बाद लास्ट में आएगा आपका सी, LNCPE त्रिवेंद्रम। तो ए बी ए सी आपका राइट होगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है ऐसा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है मोमेंट शिक्षा के पाठ्यक्रम में होना चाहिए। तो मोमेंट शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा की कक्षा के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है दोस्तों? आयु का विचार भी आवश्यक है, लिंग का विचार भी आवश्यक है, जगह का विचार भी आवश्यक है, यानी किस आयु का बच्चा है, किस लिंग का है, किस जगह, जगह कैसा है, इस सभी पर विचार करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम योजना की शुरुआत स्तर से होती है। तो महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम योजना की शुरुआत कक्षा 1 से 5 तक स्तर यानी प्राथमिक स्तर से होती है। नेक्स्ट है व्यावसायिक प्रशिक्षण के आचरण में क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? तो किसी भी व्यावसायिक प्रशिक्षण के आचरण में उसके पास निष्ठा होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, ठीक है, ये तीनों होना चाहिए, बट शैक्षिक उपलब्धि का होना उतना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे अभिकथन स्टेटमेंट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बहुत सारे पूछे जा रहे हैं अभिकथन स्टेटमेंट से रिलेटेड, ठीक है, अभिकथन ए एंड तर्क आर, इस प्रकार के क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों अभिकथन ए है इंट्रामुरल सभी छात्रों की शारीरिक क्षमता को सुधारता है। तो इंट्रामुरल सभी छात्रों की शारीरिक क्षमता को सुधारता है, ये बात तो राइट है। उसका जो तर्क दिया गया है आर में वो है इंट्रामुरल प्रतिभा का चयन एक साधन है। इंट्रामुरल प्रतिभा चयन का एक साधन है। तो दोस्तों ये तो आपका राइट है, बट उसका सही तर्क प्रस्तुत आर नहीं कर पा रहा। यहाँ पे आपको यही चीज देखना है कि जो ये बात कहा गया है राइट है कि नहीं है। अगर राइट है तो क्या उसके तर्क में आर सही बात कह रहा है? तो इंट्रा ए कह रहा है कि इंट्रामुरल सभी छात्रों की सारी क्षमता सुधारता है। अब आर ने उसको बताना चाहिए कि किस तरह से सुधारता है, तो यहाँ पे वो तो बताया नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको राइट हो जाएगा ख कि ए और आर दोनों सही है, और आर का ए द्वारा सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी अभिकथन और स्टेटमेंट से रिलेटेड, अभिकथन ए है कि पाठ योजना अध्यापकों में आत्मविश्वास विकसित करता है, ये बात तो सही है। अंतर कहे कि पाठ योजना अध्यापकों के लिए एक उत्प्रेरणा है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, दोनों ए आर जो है ए के लिए सही स्पष्टीकरण है, यहां पे क हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, ठीक है, आर का ए द्वारा सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी अभिकथन से रिलेटेड है, कथन ए है दोस्तों शारीरिक शिक्षक को प्रदर्शन कौशलों में अच्छा होना चाहिए, राइट है, किसी भी शारीरिक शिक्षक को प्रदर्शन कौशल में अच्छा होना चाहिए। एंड आर है उसके तर्क में कि शारीरिक शिक्षक एक अच्छा प्रशिक्षक होता है, बात सही है। तो दोनों आपका राइट है, तो हो जाएगा क, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए द्वारा सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अभिकथन ए है कि किसी भी खेल संस्थान के लिए अच्छा वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है,
तो किसी भी खेल संस्थान के लिए अच्छा वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है दोस्तों। बिना वित्तीय अच्छा प्रबंधन से कोई भी संस्था चल नहीं सकता। आर है यह प्रभावी ढंग से उपलब्ध धनराशि का प्रबंधन, प्रभावी वित्तीय कार्यप्रणाली तथा संस्थान की वित्तीय स्थिति एवं संगठन के दायित्व का निर्वहन करता है। सही बात है, तो दोनों सही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन ए है कि केवल अच्छी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, अच्छे स्टाफ की नियुक्ति एकमात्र उपलब्ध है। यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको पता चल गया कि ये गलत है। केवल शब्द आ गया, केवल एक अच्छी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, अच्छे स्टाफ की नियुक्ति एकमात्र मापदंड है, तो ये नहीं हो सकता। केवल अच्छा शैक्षणिक उपलब्धि के आधार पर किसी को आप अच्छा स्टाफ नियुक्त नहीं कर सकते, ठीक है। अब आर देखते हैं क्या है कि अच्छी शैक्षणिक पृष्ठभूमि ज्ञान एवं मानसिक योग्यता दर्शाई है। तो दोस्तों अच्छी शैक्षणिक पृष्ठभूमि ज्ञान और मानसिक योग्यता दर्शाती है, तो आर आपका राइट है बट ए आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट है, संपदस्थ स्कूल हेल्थ का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कंपोनेंट नहीं है। तो संपदस्थ स्कूल हेल्थ का कंपोनेंट कौन है, तीन है एक नहीं है, तो है कौन, सारी शिक्षा है, विस्तृत स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा है, विद्यालय का स्वास्थ्य वातावरण है, बट विद्यालय का स्वास्थ्य बीमा यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, सारी दुनिया के लिए निम्नलिखित कौन सी वातावरणीय परेशानी प्राण घातक है। तो सारी दुनिया के लिए ओजोन रिक्तिकरण आपका वातावरणीय परेशानी प्राण घातक है। ओजोन परत में छेद हो जा रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते, CFCO गैस के चलते, जिससे जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर ज्यादा आएंगी, जिससे पृथ्वी के जीव जंतु त्रस्त दस्त हो जाएंगे, झुलस जाएंगे गर्मी के कारण। नेक्स्ट दोस्तों, हीमोफिलस टाइप बी हीव को बेहतर समझाया जा सकता है कि वह एक तरह का क्या है, एक तरह का इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा जो है दोस्तों, यह वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है, यह हमारे श्वसन तंत्र संबंधी रोग है। नेक्स्ट है, डायबिटीज का प्रबंधन करने का प्राथमिक तरीका क्या है। इसका प्राथमिक तरीका है रक्त में शर्करा के स्तर को स्थिर रखना, रक्त में शर्करा के स्तर को स्थिर रखना। डायबिटीज यानी मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से होता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन का कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना, जब इंसुलिन हमारे शरीर में कमी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यानी ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाता है, जिससे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो रक्त में शर्करा के स्तर को स्थिर रखना इसका प्राथमिक तरीका है। नेक्स्ट दोस्तों, लॉक जा को किस बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो लॉक जा जो होता है टीटनेस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, टीटनेस को बोला जाता है। टीटनेस को दोस्तों धनुष टंकार रोग, लॉक जा इन नामों से जाना जाता है। यह क्लास्ट्रिडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया यानी जीवाणु से फैलता है। टीटनेस में तंत्रिका तंत्र व पेशियां प्रभावित होती है, इसमें शरीर में झटका और बेहोशी होता है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थलों का वर्ष से मेल कीजिए। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थलों से किस वर्ष में खेला गया था, इसे आपको रिलेट करना है। तो फटाफट से रिलेट करते हैं। पहला है सिडनी, सिडनी जो है 2000 में सिडनी ओलंपिक खेला गया था ऑस्ट्रेलिया में। तो ए का 3 हो गया, ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड एथेंस जो है 2001 बार आपका 1996 प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेला गया था, दूसरा बार 2004 में एथेंस में खेला गया था। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड बीजिंग चीन में कब खेला गया था दोस्तों, तो बीजिंग चीन में खेला गया था 2008 में, तो यहाँ पे सी का 4 हो जाएगा। एंड लंदन ओलंपिक में खेला गया था 2012 में,
तो आपका डी का 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर खो आपका राइट हो जाएगा। 2016 में क्या हुआ था दोस्तों, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, 2020 में टोक्यो जापान में हुआ था, ठीक है, 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा, 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से अस्तित्व के क्रम के अनुसार कौन सा सही क्रम है। तो दोस्तों जैसे कि यहां पे जर्मनी के क्षयिक शिक्षा के इतिहास के रिलेटेड उन्होंने उन सभी के बारे में दिया है कौन कौन थे विकास करने वाले, तो कौन किस क्रम में थे। तो सबसे पहले जान बर्नार्ड बेस्डो थे जो जर्मनी में शायद शिक्षा के पितामह कहे जाते हैं। उसके बाद जान क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गटमट थे जो जर्मनी जो जिम्नास्टिक के पितामह कहे जाते हैं। उसके बाद एरोल स्पीच थे, ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस आपका राइट होगा। नेक्स्ट है खेल के सिद्धांतों को प्रतिपादक के साथ मिलाइए। ये खेल के सिद्धांत है, इन खेल के सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया इसको आपको मिलाना है। तो पहला है दोस्तों अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत या अवशेष ऊर्जा का सिद्धांत जिसे सरप्लस एनर्जी थ्योरी बोला जाता है, इसकी प्रवर्तक है हर्बर्ट स्पेंसर और शीलर। तो यहाँ पे शीलर कहाँ दिख रहा है, 3 में, ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जैसा कि पहले ही पता चल गया ए का 3 एक ही जगह है, ठीक है। उसके बाद मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट थ्योरी किसने दिया है दोस्तों, मैकडूगल ने दिया है, तो बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। मनोरंजन सिद्धांत, ठीक है, रिक्रिएशन थ्योरी किसने दिया है, लॉर्ड केम्स एंड डीडब्ल्यू पैट्रिक ने दिया है, सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड पुनरावृत्ति का सिद्धांत यानी पुनः अवलोकन धारा रिकैपिचुलेटरी थ्योरी को किसने दिया है दोस्तों, इसको दिया है स्टेनली हॉल ने, तो डी का 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख यहां पे राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के उत्तरदायित्व हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ का उत्तरदायित्व क्या है दोस्तों, यहां पे राइट हो जाएगा डी और सी, यानी कि डी और सी यानी खिलाड़ियों की अव्यवसायी स्थिति को बचाना और खेल संस्थान स्थापित करना इसका उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट दोस्तों दर्शन के विद्यालयों का दार्शनिकों के नाम से मिल कराइए। तो दोस्तों मानववाद के संस्थापक कौन थे, तो मानववाद के संस्थापक थे यूलरिच वान हटन। व्यवहारिकवाद यानी कि एक्सपेरिमेंटिज्म, प्रयोगवाद के संस्थापक थे जॉन डीवी, यानी कि बी का 1, ठीक है, ए का 2, बी का 1, ठीक है, दो चीजें अभी तीसरा ख ग दोनों में दिखाई दे रहा है, ए का 2 और बी का 1, सेम है। अब देखते हैं आगे आदर्शवाद, तो प्लेटो ने दिया था, यहाँ प्लेटो है नहीं, विद्यालयों के दार्शनिक नाम यहाँ पे दे रहा है। तो देखते हैं अस्तित्ववाद को किसने दिया था, अस्तित्ववाद को दिया था सोरेन किर्केगार्ड ने दिया था अस्तित्ववाद को, तो डी का 3 हो जाएगा, तो डी का 3 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका राइट हो जाएगा, सी का 4 यानी कि आदर्शवाद यहाँ पे हो जाएगा इमैनुअल कांट, आदर्शवाद विद्यालय की स्थापना किया था इमैनुअल कांट ने, यहाँ पे आपका ख राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि यकृत का मुख्य कार्य किसे अवशोषित करना होता है, तो यह अवशोषित करता है यकृत से पित्त रस का निर्माण होता है, पित्त रस किसका पाचन करता है, वसा का, ठीक है, वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है, तो यहाँ पे वसा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सामान्य वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त का आयतन होता है, तो एक सामान्य वयस्क पुरुष में रक्त का आयतन कितना होता है दोस्तों, 5 लीटर, कितना होता है 5 लीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर को गति को नियंत्रित करता है तो कौन सा होता है दोस्तों? सेरिबेलम। कौन होता है? सेरिबेलम जो है वो जो पश्च मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम वो शरीर की गति को नियंत्रित करता है एंड जो पश्च मस्तिष्क का भाग मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है वह हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है जैसे कि पाचन तंत्र श्वसन तंत्र हृदय क्रिया ये सभी चीजों को डाइजेशन प्रॉब्लम सर्कुलेशन प्रॉब्लम ये मेडुला ऑब्लॉन्गेटा नियंत्रित करता है जो कि सेरिब्रम होता है बुद्धि सोचने संबंधी का केंद्र होता है बुद्धि का केंद्र होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि शरीर के किस भाग में स्ट्रेन का क्या अर्थ है तो स्ट्रेन और स्ट्रेन मैंने बताया है कई बार कि स्ट्रेनम यानी कि स्ट्रेन म से मांसपेशी या टेंडन की चोट जिसमें खिंचाव आ जाता है क्या आ जाता है खिंचाव आ जाता है तो यहाँ पे मुड़ना और फटना आपका राइट हो जाएगा और स्ट्रेन जो होता है स्ट्रेन यानी कि स्ट्रेन जो होता है वो लिगामेंट की चोट होता है जिसमें मोच होता है। इसमें जो डिसलोकेशन है हमारे कंधे या कुल्ले की जो ज्वाइंट होती है यानी कि ज्वाइंट वाले स्थान पर वो ज्वाइंट से अपने स्थान से खिसक जाना ही डिसलोकेशन होता है अपने स्थान से हट जाना। एब्रेजन जो होता है त्वचा की चोट है जिसमें छिल जाना रगड़ लग जाना को हम कहते हैं एब्रेजन। कॉन्ट्यूजन जो है अचानक से चोट लगती है और नीला पड़ जाता है त्वचा और उठ जाता है उसे कहते हैं कॉन्ट्यूजन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर इनमें से किस खेल के खिलाड़ियों में अधिक लगता है तो दोस्तों यह जिम्नास्टिक खिलाड़ी में ज्यादा स्ट्रेस फ्रैक्चर लगता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर किसमें ज्यादा लगता है? जिम्नास्टिक खिलाड़ी में। आर्च फ्रैक्चर यानी जब टखने में स्ट्रेस टखने में स्थित मेटाटार्सल हड्डी में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे कहते हैं मार्च फैक्टर या पैरों के पंजों का ज्यादा प्रयोग होने से मेटाटार्सल हड्डी में बाल या लाइन आ जाता है इसे कहते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर का नाम पड़ा मार्च फ्रैक्चर कब तो स्ट्रेस फ्रैक्चर का नाम मार्च फ्रैक्चर 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में अधिकतर देशों के सैनिकों के पंजों में यह फ्रैक्चर पाया गया जिसका कारण इसका नाम मार्च फ्रैक्चर पड़ा। नेक्स्ट दोस्तों खेल का परीक्षण निर्माता से मेल कराइए जो स्किल टेस्ट होता है जैसे कि मैंने स्पोर्ट टेस्ट एंड मेजरमेंट पे वाले वीडियो में सभी के स्किल टेस्ट के बारे में बताया है तो इसमें आपको ध्यान में देना देखना है कि फुटबॉल फुटबॉल से रिलेटेड कौन है मैकडोनाल्ड साकर टेस्ट आपका ए का थ्री हो जाएगा। ठीक है एंड वॉलीबॉल से रिलेटेड रसल लेंज वॉलीबॉल टेस्ट आपका बी का वन हो जाएगा। हॉकी टेनिस का हो जाएगा डायर टेनिस टेस्ट डी का टू हो जाएगा। ठीक है डी का क्या हो जाएगा टू हो जाएगा एंड हॉकी का आपका हो जाएगा हेनरी हरबन सिंह टेस्ट होता है ये हेनरी यहाँ पे दिया हुआ है तो आपका हो जाएगा सी का फोर तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग आपका राइट हो जाएगा। इन सभी के बारे में डिटेल में जानना है तो आप टेस्ट मेजरमेंट के प्लेस पे जाइए और इन सभी स्किल टेस्ट के एक एक करके देख लीजिए। नेक्स्ट है गामक योग्यता का मापन होता है तो यहाँ पे मोटर स्किल का मापन किससे किससे होता है दोस्तों तो यहाँ पे ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट से होता है एंड जेसीआर टेस्ट से होता है यहाँ पे बी और सी आपका राइट हो जाएगा बी और सी राइट हो जाएगा यानी घ आपका राइट यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को क्रमानुसार लगाइए तो दोस्तों क्रमानुसार क्या होगा सबसे पहले परीक्षण होगा फिर मापन होगा तब मूल्यांकन होगा। किसी चीज का हम परीक्षण लेते हैं तब उसका क्या करते हैं यहाँ पे राइट कौन सा होगा दोस्तों राइट आपका कौन सा होगा राइट होगा आपका ख क्या होगा सबसे पहले परीक्षण होगा फिर मापन होगा फिर मूल्यांकन होगा। किसी चीज का पहले हम परीक्षण लेंगे फिर उसका मापन करेंगे मापन हमेशा अंकों में होता है फिर उसका मूल्यांकन करेंगे कि हाँ ये जो हमने परीक्षा लिया कार्य किया कहां तक पहुंचा है कितना सुधार करना उसमें आवश्यक है ये मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित का मेल कराइए इसमें भी आपको मेल कराना है जैसे कि इन सभी के बारे में दोस्तों मैंने थ्री सेशन डिटेल में बताया हुआ है अगर आप मेरे थ्री सेशन को देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे रक्तचाप का मापन कौन करता है तो स्फिग्नोमैनोमीटर ए का टू हो जाएगा। ठीक है ए का टू दो जगह दिया है खो दोनों में। नेक्स्ट देखते हैं हम ताकत यानी स्ट्रेंथ को मापता है डायनेमोमीटर
तो बी का वन हो जाएगा, तो ए का टू और बी का वन किस में दिया है, खो में दिया है। एंड कद यानी कि लंबाई को मापता है स्टेडियोमीटर, तो सी का फोर हो जाएगा। एंड वसा को मापता है बॉडी कंपोजिशन को, स्किन फोल्ड कैलिपर मापता है, तो डी का थ्री हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख आपका राइट है। नेक्स्ट है परीक्षण की विश्वसनीयता का क्या अर्थ है। तो दोस्तों परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ है संगतता, यानी कि बार बार परीक्षा करने पर परिणाम एक जैसा आए उसको कहते हैं विश्वसनीयता। नेक्स्ट है दोस्तों मानव शरीर का आकार एवं समानुपातता में मापन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मानव शरीर के आकार लंबाई चौड़ाई सब मापने के विज्ञान को कहते हैं मानव मापन विज्ञान यानी एंथ्रोपोमेट्री। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही मैच नहीं है। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन राइट है, एब्डक्शन एडक्शन राइट है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट राइट है, हड्डी और कार्टिलेज आपका राइट नहीं है, क्योंकि ये सभी क ग और घ आपका शरीर गति से रिलेटेड है, जबकि हड्डी और कार्टिलेज एक अलग है, शरीर संरचना से रिलेटेड है, इसलिए वो अलग है। नेक्स्ट दोस्तों किसमें हवाई कालाबाजी प्रक्षेप सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो हवाई कालाबाजी प्रक्षेप का सर्वोत्तम उदाहरण इसमें कौन है, तो ऊंचाई है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे ताकतवर मांसपेशी कौन है। दोस्तों जैसे कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी हमारे निचले जबड़े की मसेटर मसल्स होती है, यहाँ पे मसेटर नहीं दिया है तो इस सेंस में आपका सोलियस मसल्स हो जाएगा, पैर की निचले पैर में पीछे की तरफ सोलियस मसल्स होती है। एंड नेक्स्ट है फ्रैक्चर के उपचार में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है। तो फ्रैक्चर के उपचार में ट्रैक्शन विधि का प्रयोग होता है, ट्रैक्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट है गामक सिखलाई यानी मोटर लर्निंग में प्लेटो का संज्ञानिक कारण क्या है। तो अधिभार, मोटर लर्निंग में प्लेटो का संज्ञानिक कारण है अधिभार, ठीक है यानी ट्रेनिंग लोड। नेक्स्ट दोस्तों खेल के कैथेटिक सिद्धांत यानी कि रेचन विरेचन धारणा को किसने दिया है, तो इसको दिया है अरस्तु ने। जैसा कि आप जान लीजिए खेल के सैद्धांतिक धारणा में सात आठ सिद्धांत है, जिसमें से अतिरिक्त शक्ति अविशेष ऊर्जा का सिद्धांत जिसे सर्पस एनर्जी थ्योरी कहते हैं इसको दिया है हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने। दूसरा है भविष्यदर्शी धारणा जिसे पूर्वानुमानित धारणा, पूर्वाभ्यास का धारणा, तत्परता के नाम से भी जाना जाता है, इसको दिया है एंटीसिपेटरी थ्योरी यानी प्री एक्सरसाइज थ्योरी, इसको दिया है कार्ल ग्रूस ने। तीसरा है मनोरंजनात्मक धारणा जिसे शिथिलन धारणा भी कहते हैं, रिक्रिएशनल थ्योरी, जिसके दिया है लॉर्ड केम्स जी डब्ल्यू पैट्रिक ने। एंड चौथा है पुनः अवलोकन धारणा या पुनर्कथन या पुनरावृत्ति की धारणा जिसे रिकैपिचुलेटरी थ्योरी कहते हैं इंग्लिश में, जिसको दिया है स्टेनली हॉल ने। एंड पांचवा है मनोविश्लेषण धारणा यानी कि साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसको दिया है सिगमंड फ्रायन ने। छठवां है विरेचन यानी रीचन विरेचन धारणा यानी कि कैथेटिक थ्योरी, दिया है अरस्तु ने। एंड सातवां है सामाजिक धारणा यानी सोशियल थ्योरी, दिया है अरस्तु ने। आठवां है खेल ही जीवन है धारणा इस थ्योरी यानी प्ले इज लाइफ थ्योरी के दिया है जॉन डीवी ने। नौवां है निसर्ग अनुसंधान धारणा जिसको दिया है रूसो ने। एंड दसवां है संज्ञानात्मक धारणा यानी कॉग्निटिव थ्योरी को दिया है जीन पियाजे ने। ग्यारहवां है अहम विस्तारण धारणा यानी कि इसको दिया है लैंज ने। एंड बारहवां है सहज प्रवृत्ति धारणा यानी इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी को दिया है विलियम मैकडूगल ने। नेक्स्ट है इन्वर्टेड यू मॉडल के द्वारा किन संबंधों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो इसके द्वारा उत्तेजना एवं निष्पादन क्षमता यानी परफॉर्मेंस का अनुमान लगाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेड यू मॉडल के द्वारा किन संबंधों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, उत्तेजना एवं निष्पादन क्षमता परफॉर्मेंस का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के किस नियम को उपयोग अनुपयोग का नियम कहा जाता है। दोस्तों तो सीखने के थार्नडाइक ने तीन नियम दिए हैं, तैयारी का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तीसरा है प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट यानी सेटिस्फेक्शन। तो इसके
उपयोग अनुपयोग का नियम किस नियम को जाना जाता है? तो अभ्यास के नियम को उपयोग अनुपयोग का नियम कहा जाता है। यहाँ पे व्यायाम का नियम आपका कर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, चेतना के किस स्तर से जागरूकता को लाया जा सकता है? तो चेतना पूर्ण स्थिति से, ठीक है, जागरूकता को लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस विधा में मेसोमोर्फिक शारीरिक बनावट की आवश्यकता नहीं होती है? दोस्तों मेसोमोर्फिक, सेल्डन ने तीन बॉडी टाइप दिया है, कौन कौन से? एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक एंड एक्टोमोर्फिक। एंडोमोर्फिक गोल मटोल शरीर, बहुत खाने की प्रवृत्ति रखने वाला, हसमुख, मिलनसार होता है और यह कुश्ती शक्ति वाले खेलों से ज्यादा चीज होता है, स्फूर्ति वाला खेल नहीं कर पाता है एंडोमोर्फिक। और मेसोमोर्फिक जो है सभी चीजों में परफेक्ट होता है, एकदम मसल्स बॉडी मजबूत शरीर होता है, इसको स्प्रिंटर भी बोला जाता है। मसल्स जहां भी आए वो स्प्रिंटर, यानी कि विस्फोटक वाले, अधिकतम शक्ति वाले खेलों में, स्फूर्ति वाले खेलों में ज्यादा यहाँ पे आवश्यकता होगी। तो जो एक्टोमोर्फिक होता है, अस्थि प्रधान होता है, दुबला पतला शरीर होता है, एंड दोस्तों वह इन रेंज वाले खेलों में ज्यादा अच्छा होता है, लंबी दौड़ की चीजों में एथलेटिक वाला बॉडी, एक्टोमोर्फिक बॉडी ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे मेसोमोर्फिक शारीरिक बनावट की आवश्यकता कौन नहीं है इसमें दोस्तों? मेसोमोर्फिक शारीरिक बनावट की आवश्यकता नहीं होती है किसमें? चार ऑप्शन है, चक्का फेंकने में होता है, डेकाथलॉन में होता है, तेज धावक में होता है, ठीक है, मेसोमोर्फिक स्प्रिंटर भी बोला जाता है, लेकिन मैराथन धावक नहीं होता है। मैराथन धावक आपका आ जाएगा एक्टोमोर्फ में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, शटल रन से चपलता के अतिरिक्त क्या विकसित किया जाता है? शटल रन से एजिलिटी यानी चपलता मापा जाता है, और क्या मापा जाता है? तो स्पीड यानी मूवमेंट यानी चाल को मापा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समन्वय योग्यता नहीं है? तो समन्वय योग्यता यानी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी सात प्रकार का होता है, ए बी सी डी आर आर ओ, ए से एडाप्टेशन एबिलिटी यानी कि अनुकूलन योग्यता, बी से बैलेंस एबिलिटी यानी संतुलन योग्यता, सी से क्यूबलिंग एबिलिटी यानी युग्मन योग्यता, डी से डिफरेंशिएशन एबिलिटी यानी कि पृथककरण योग्यता, फिर आपका ए बी सी डी आर, आर से रिदमिक एबिलिटी यानी लयात्मक योग्यता, फिर आर रिएक्शन एबिलिटी यानी कि प्रतिक्रिया क्षमता, एंड ओ से ओरिएंटेशन एबिलिटी यानी निर्धारण योग्यता। तो यहाँ पे प्रतिक्रिया योग्यता, लयात्मक योग्यता, अनुकूलन योग्यता तीनों है समन्वय योग्यता से रिलेटेड, लेकिन त्वरण योग्यता नहीं है। त्वरण योग्यता आपका स्पीड से रिलेटेड है। स्पीड जो है चार प्रकार का होता है, रिएक्शन एबिलिटी यानी कि प्रतिक्रियात्मक योग्यता, एंड एडाप्टेशन एबिलिटी अनुकूलन योग्यता, मोमेंट यानी गति की चाल, लोकोमोटर एबिलिटी एंड त्वरण योग्यता, ये सब होते हैं आपके स्पीड में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय खेल प्रदर्शन के लिए चिंता का होना आवश्यक है। तो उच्च स्तरीय खेल प्रदर्शन के लिए चिंता का होना मध्यम आवश्यक है दोस्तों, अत्यंत कम नहीं हो सकता, अत्यंत अधिक भी नहीं हो सकता, उच्च भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप एक ही ऑप्शन बचता है पर्याप्त, यहाँ पे पर्याप्त का मतलब है कि मध्यम, जितना आवश्यक हो उतना ही। ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन का आंसर हमेशा होता है, जैसा ऑप्शन दिया है देख रहे हैं कि आपको तीनों ऑप्शन में एक जगह दिया है अत्यंत कम, एक जगह अत्यंत अधिक, एक जगह उच्च, यानी तीनों नहीं होगा, बचा पर्याप्त। यहाँ पे पर्याप्त का अर्थ कुछ और है, यानी मध्यम, जितना आपको चिंता करने की आवश्यकता है उतना ही कीजिए। नेक्स्ट है, फाटले प्रशिक्षण पद्धति का प्रयोग विकसित करने के लिए होता है। तो फाटले प्रशिक्षण विधि सहनशीलता विकसित करने में आता है, इसका ये क्या विकसित करने के लिए होता है? सहन शक्ति या इंडोरेंस डेवलप करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको स्पीड प्ले भी बोला जाता है, बिना प्रॉपर प्लानिंग के होता है। तो दोस्तों आज के लिए था 50 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, और सभी वीडियोज के सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। डेली बेसिस पे यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। दोस्तों सभी वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, जो भी डाउट होगा उसे भी बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, जिससे और लोगों के पास, आपके फ्रेंड सर्कल में यह वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।